वेलकम बैक व्यूअर्स। वेरिकोवेंस की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो ये काफ़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है कि इसमें हम कौन सा ट्रीटमेंट लें या कौन सा ट्रीटमेंट हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर ये इनिशियल स्टेज पर है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर ये आगे बढ़ चुकी है काफ़ी तब हमें क्या करना चाहिए। इसमें हम ये बात तो नहीं करेंगे कि ये क्यों हुई, किस लिए हो जाती है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको ये प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट या सोल्यूशन चाहिए। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पर है तो उसके लिए दो ऑप्शन काफी सही हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एक कंप्रेशन स्टॉक आप पैर में पहन सकते हैं जिससे कि आपके जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक ठाक रहे, और दूसरा एक ऑप्शन आपके लिए रहता है कि लेग्स को ऊपर करके कुछ देर आपको लेटना है दीवार का सहारा लेकर, जिससे कि ब्लड का फ्लो जो है आपके हार्ट की तरफ प्रॉपरली हो जाए, जिससे कि ये प्रॉब्लम अगर इनिशियल यानी शुरुआती स्तर पर है तो हम इसे कंट्रोल कर सकें। अब जो आगे की पोजीशन है वो तब होती है जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में हमें इसका ट्रीटमेंट या फिर सर्जरी या फिर और कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और आप इसका प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हैं या फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं और इस कन्फ्यूज़न में है कि आपके लिए कौन सा बेटर है, तो अब हम इस पर बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला एक ऑप्शन हम रख सकते हैं वो है स्क्लेरोथेरेपी। इसमें डॉक्टर्स मेडिसिन को ब्लड वेसल्स या फिर जो बहुत पतली नसें होती हैं उनमें इंजेक्ट करते हैं। अगर ये इफ़ेक्टिव रहता है तो फिर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए फ्लेबोटॉमी। फ्लेबोटॉमी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि एक ऑपरेशन ही आप इसको कह सकते हैं कि जिस वेन जो ये वेन ज़्यादा सूज गई है जिसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है तो उसको सर्जरी के द्वारा उसको निकाला जाता है और इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है, जिससे कि दूसरी नर्व से वो ब्लड का फ्लो अपने आप ठीक ठाक हो जाए और वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। अब सबसे लास्ट और सबसे अपडेट तरीका जो इस समय अवेलेबल है वो है माइक्रोवेव एब्लेशन, या फिर उसे आप कह सकते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। और इसमें बहुत छोटी सी एक निडल ली जाती है, नॉर्मल निडल जैसे जिससे आमतौर पर हमारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसको वेन में लगाकर पंचर करके और उसमें एक वायर टाइप का यूज़ करके उससे ये प्रॉब्लम ठीक की जाती है। और इसमें जो एब्लेशन जो मशीन होती है उसमें सारे पैरामीटर्स होते हैं, कितनी आपकी वेन को सेट सही करना है, कितनी पतली है तो उसे बड़ा करना है या ज़्यादा फूल गई है तो उसे पतला करना है, और ये कुछ इस तरह से होता है ऐसे एनवायरनमेंट में जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर हमारा MRI वगैरह करते हैं या CT स्कैन करते हैं उस टाइप के मशीन का सेटअप होता है। साथ ही साथ ये जो एब्लेशन मशीन होती है वो भी साथ में लगी होती है, स्क्रीन लगा है वहाँ पर, और मतलब बहुत एक अच्छा प्रोसीजर है। इसमें ना कोई निशान आता है, ना किसी तरीके का कोई कट लगता है, सिर्फ एक छोटा सा पंचर, वो भी एक इंजेक्शन के बराबर जो इंजेक्शन में लगता है उस प्रोसीजर के द्वारा इसको किया जाता है। तो इसलिए अगर आपका कोई ये डर है कि इसमें बहुत बड़ा कट लगेगा या कुछ होगा, क्या कहाँ कहाँ इतनी लंबी लंबी नसों को क्या काट देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इसके लिए आप अपने नज़दीक के एक अच्छे हॉस्पिटल में जाकर कॉन्टैक्ट करिए, एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करिए और वो आपको पूरा पूरा गाइड करेंगे, और साथ ही साथ दूसरे अगर कोई स्पेशलिस्ट भी इसको कर रहे हैं आसपास तो वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो वेल आई होप सो कि जो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या कि ये प्रोसीजर में हम क्या करें या किस तरीके की हम टेक्निक को अपना सकते हैं, तो आई थिंक सो कि दिस इन्फॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू, और इससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आपके दूर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।